हेलो फ्रेंड, धन्यवाद। बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो 26वां मुकाबला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का, उसके बारे में। तो ग्रुप वन का टॉप वन पे है पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड और सेकंड पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया। दो ऐसी टीम, इंग्लैंड ऑलरेडी फेवरेट मानी जा रही थी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले, ये जीत सकती है किताब, और ऑस्ट्रेलिया सडनली फेवरेट हो गई है कि ये भी जीत सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सारे बैट्समैन और बॉलर फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। जब वार्नर फॉर्म में नहीं थे वो आ चुके हैं, फिंच फॉर्म में आ चुके हैं, स्टीवन स्मिथ मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बॉलिंग इनका जबरदस्त है। तो इंग्लैंड से ज़्यादा अच्छा ऑस्ट्रेलिया दिख रही है ऑन पेपर्स, क्योंकि इनके बॉलर्स परफॉर्म करने लगे हैं, जो कि इंग्लैंड के बॉलर्स का थोड़ा सा डमाडोल स्थिति है, क्योंकि बड़े बड़े नाम के साथ नहीं आई है इंग्लैंड। तो एक बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार मैच होने की संभावना पूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैच तो है 30 अक्टूबर यानी सैटरडे को, डबल हेडर है मैच, 7:30 बजे खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। मेरे भाई इस वेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिच जो है दुबई का, आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत हार्ड सर्फेस है, ज़्यादा ग्रासेस नहीं है, मिनिमम अमाउंट का भी ग्रास नहीं बोल सकते, लेकिन एक जस्ट नॉर्मल मतलब बहुत अच्छा बैटिंग सर्फेस है और यहाँ पर बैटिंग करना आसान है। स्पिनर्स को उतना खास यहाँ पे मदद नहीं है, लेकिन ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, सेकंड बैट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। मेरे भाई जितने भी मैचेस अभी तक हुए हैं, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हटा दीजिए क्योंकि इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले 4 मैचेस हुए हैं टी20 वर्ल्ड कप में और चारों का जाकर सेकंड बैट करते हुए टीम जीती है। तो सेकंड बैट का ऐसे भी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन चल रहा है मेरे भाई। मोस्ट ऑफ द मैचेस जो हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, वहाँ पे सेकंड बैट का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है, सेकंड बैट जीत रही है मेरे भाई। अब वेदर रिपोर्ट में बात कर लेते हैं। तो 32 डिग्री का टेम्परेचर, चांस ऑफ रेन निगेटिव और ह्यूमिडिटी थोड़ा लो है, 46% ह्यूमिडिटी, और ड्यू फैक्टर जो है वो कल कम प्रिवेल कर सकता है, तो सेकंड बैट को उतना एडवांटेज नहीं रहेगा। ड्यू वही अगर पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा आता है, तो उतना ज़्यादा ड्यू नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं मेरे भाई, 7428525767। मैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप बिंदास इस नंबर पे हमें पूछ सकते हैं, कुछ भी जानना हो सेशंस मैच से रिलेटेड, कुछ भी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जाके ज्वाइन हो जाइए, फ्री में अपडेट आते हैं हफ्ते में 3 से 4, और हमारा काम का लेवल भी चेक कर सकते हैं। टीम न्यूज़ में बात कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से मेरे भाई। तो मार्क वुड और टॉम गर्डन लास्ट दो बॉलर्स जिन्होंने मिस किया, क्योंकि ये दोनों इंजर्ड थे लास्ट के कुछ मैचेस, जो लास्ट दो मैचेस इंग्लैंड खेलिए वो दोनों मैचेस मिस कर रहे, खास करके मार्क वुड, जो कि ये बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे वार्म अप में, तो ये अब फिट है, लेकिन अभी पॉसिबल चेंजेस इंग्लैंड करते हुए देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छा मोराल हाई है, टाइमन मिस भी परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिस वोक्स भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इंग्लैंड जाना चाहिए। वही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग बैटिंग कर रही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं कोई भी चेंजेस करेगी, सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ दोनों ही टीम जाने के लिए चाहेगी। अब पंडा पॉइंट से बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हेड टू हेड 20 मैचेस हुए इन दोनों के बीच, जहाँ पे इंग्लैंड 8 जीती ऑस्ट्रेलिया 10 जीती, तो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पलड़ा भारी रहता है इंग्लैंड के ऊपर, और दो मैच इन दोनों के बीच में नो रिजल्ट्स खेला गया है, ठीक है। वर्ल्ड कप में दो बार इन दोनों के बीच में भिड़ंत हुई है, जहाँ पे दोनों बार एक बार दोनों टीम जीती है एक दूसरे के खिलाफ। अब लास्ट 5 मैचेस का परफॉर्मेंस का बात कर लेते हैं दोनों टीम का, तो आप देख सकते हैं इंग्लैंड का लगातार 4 मैच में विन है 5 में से, तो 4 मैच जीत के इंग्लैंड आ रही है मेरे भाई। वही ऑस्ट्रेलिया का विन है फिर लॉस है, फिर विन है फिर लॉस है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 3 मैच जीत के आ रही है लास्ट 5 मैचेस में से, तो आप समझ सकते हैं इंग्लैंड का थोड़ा सा अपर हैंड दिख रहा है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई, क्योंकि लगातार बैक टू बैक 4 मैचेस जीतते हुए आ रही है इंग्लैंड की टीम। वेन्यू स्टैट्स का बात कर लेते हैं, इस वेन्यू पे तो 66 मैचेस हुए, यहाँ पे 34 बार फर्स्ट बार जीती है, 31 बार सेकंड बार, 1 मैच टाई रहा है, एवरेज फर्स्ट 144 का है, हाईएस्ट स्कोर जो है वो श्रीलंका का 211/3, और लोएस्ट स्कोर है वेस्ट इंडीज़ का 55/10 मेरे भाई। प्लेइंग एलेवन का बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो डेविड वार्नर, एरन फिंच, मिशेल मार्क्स, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू विल, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम सैम्पा और जॉस हैडलवुड, तो ये प्लेइंग एलेवन हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लैंड के प्लेइंग एलेवन का बात करेंगे मेरे भाई, तो जेसन रॉय, जॉस बटलर, डेविड मलान, जॉनी बेस्टो, इयन मॉर्गन, लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रिस वोक्स, क्रिस जॉर्डन, एडन आदिल रसीद और टाइमन मिस, तो ये प्लेइंग एलेवन हो सकता है इंग्लैंड का। की प्लस का बात कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से मेरे भाई, तो जेसन रॉय बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं, 22 रन है 2 मैचेस में, बटलर वार्म अप में बहुत अच्छा बैटिंग किया और लास्ट 2 मैचेस में भी 1 मैच में नॉट आउट रह गए थे वेस्ट इंडीज़ वाले में 24 रन, और लास्ट मैच में 18 पे आउट हो गए, बैड लक था, लेकिन ये बड़ा खेल सकते हैं मेरे भाई, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन में चूज कर सकते हैं। हेड टू हेड में ड्रीम इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। वही टाइमन मिस का भी 5 विकेट है, सबसे ज़्यादा विकेट निकाला है लास्ट मैच में 3 विकेट, उससे पहले 2 विकेट। मोइन अली का बात करेंगे तो दोनों मैच में 2-2 विकेट ओपनिंग कर रहे हैं बॉलिंग के साथ, और बैटिंग करेंगे तो कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे, तो बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के लिए मोइन अली भी।
वही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात कर ले तो डेविड वार्नर फॉर्म में आ चुके हैं मेरे भाई। लास्ट मैच में 65 रन मारा था, उससे पहले 14 रन, तो ये अच्छे टच में है। लास्ट दो इनिंग में इनका 79 है, तो इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन आप चूज कर सकते हैं हेड टू हेड में। स्टीवन स्मिथ मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 35 और 28 रन इनका कंट्रीब्यूशन रहा है दो इनिंग्स में, और एडम जंपा दो दो विकेट निकाला दोनों मैच में। तो ये कुछ की प्लेयर्स है दोनों टीम की तरफ से। अब इन्हीं प्लेयर्स को लेते जो मैंने आपके लिए T20 बनाया, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे जेसन रॉय के साथ, जॉस बटलर के साथ, जॉनी बेयरस्टो, मैथ्यू वेड को पिक कर रहा हूँ विकेट कीपर ऑप्शन में। बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो वार्नर के साथ, जेसन रॉय और स्टीवन स्मिथ के साथ जा रहा हूँ। बाकी मलान और फिंच नोडर बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट मैक्सवेल और मोइन अली को पिक कर रहा हूँ। स्टोनिस बहुत बैटिंग बहुत से कंट्रीब्यूट कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, प्लस बैटिंग बहुत अच्छी टच में दिख रहे, तो इनको जरूर पिक करना है मेरे भाई अगर आपके पास ऑप्शन मिलते हैं तो। बॉलिंग डिपार्टमेंट बात करेंगे तो स्टार्क और टाइमन मिल्स के साथ जा रहा हूँ, प्लस एडम जंपा के साथ जा रहा हूँ। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मैं पिक कर रहा हूँ बॉलिंग डिपार्टमेंट। आपके पास ऑप्शंस में अगर बात कर लेते हो तो क्रिस वोक्स अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो वार्नर को कैप्टन वाइस कैप्टन, यहाँ पे मैं बटलर को बनाना चाहूँगा। बाकी जेसन रॉय भी अच्छे टच में, तो इनको भी कैप्टन में आप पिक कर सकते हैं। स्टीवन स्मिथ विकेट गिरता है तो दोनों मैच में अच्छा परफॉर्म भी किया, तो आप इनको वाइस कैप्टन कैप्टन भी बना सकते हैं। तो ये T20 दोस्तों, आप यहाँ पर प्रीव्यू ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब की बिना मत जाइएगा। रिपोर्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट करिएगा, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। जाइए जाइए क्लिक करके ऐड हो जाइए और हमारा काम देखिए। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।